हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग हर कोई करना चाहता है पर किसी के साथ कोई समस्या हो जाती है, किसी के साथ कोई समस्या हो जाती है और इस कारण वो गार्डनिंग नहीं कर पाते। कुछ लोगों के तो पौधे ही ग्रो नहीं होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो गार्डनिंग छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि गार्डनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है, गार्डनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस क्या करना है आपको, सही पौधों का चुनाव करना है। जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ मतलब सस्ते और टिकाऊ पौधों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसलिए गार्डनिंग शुरू करने से पहले कहीं से जानकारी लें। मैं इस वीडियो में यही जानकारी दूंगी कि कौन से पौधों का आपको चुनाव करना है। तो ये बिगनर्स के लिए, और जो लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं और पौधे ख़राब हो जाते हैं उनके इस कारण गार्डनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे पौधे आप लोगों को बताऊँगी जिनका आप चुनाव करें तो वो पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब शुरू शुरू में आप हार्डी पौधे लगाएंगे, जिन्हें हमारी देसी भाषा में पक्के पौधे भी कहते हैं, तो वो पक्के वाले पौधे लगाएंगे तो आपको गार्डनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी और आपका मन करेगा गार्डनिंग करने का। गार्डनिंग तो हर किसी को करनी चाहिए क्योंकि गार्डनिंग करना एक शौक ही नहीं, एक ज़रूरी भी है। क्योंकि आजकल आप सब लोग देख रहे हैं प्रकृति में कितना नुकसान हो रहा है, कितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिसके कारण टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि इतनी बारिशों के बावजूद भी कितनी गर्मी हो रही है। तो इसलिए गार्डनिंग करना और टेम्परेचर को मेंटेन जो करता है वो सिर्फ पौधे ही कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास छोटे घर हैं, छोटी बालकनियाँ हैं, तो उन्हें भी आप उनके भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं कुछ हरे भरे टिकाऊ पौधे लगा के। तो कुछ मैं ऐसे ही पौधे आपको बताऊंगी जो गमलों में लग जाते हैं और बहुत ही टिकाऊ होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हो सकते हैं जो मुझे हार्डी लगते हों और आप उन्हें सर्वाइव ना कर पाते हों। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर पौधे की जानकारी हर किसी को नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का मैं फिर भी ध्यान रखूंगी और आपको सिर्फ वही पौधे बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। और तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें एक अच्छा सा, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो आपके गार्डनिंग लवर फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर ही शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और चलते हैं अपने पौधों की ओर। कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे हार्डी और सबसे यूज़फुल प्लांट है हमारा ये स्नेक प्लांट, जो क्या डिवीज़न से और पत्तियों को कटिंग करके भी इजीली लगाया जा सकता है और नर्सरीज़ में भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है। सिंगल पौधा इसका 50 रुपीज़ में इजीली आपको मिल जाएगा नर्सरी में। फ्रेंड्स, अगला प्लांट आ जाता है ये गोफ्रेना का, जो कि साल भर फ्लावरिंग करने वाला और बहुत ही हार्डी प्लांट है, जो कि एक बार लगा लें तो फिर आपके गार्डन का पीछा नहीं छोड़ेगा और इसके बीज गिरते रहेंगे और ये गार्डनिंग मतलब आपके गार्डन में ग्रो होता रहेगा। तो 10 से 20 रुपए में मिलने वाला ये पौधा है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। खासकर ये गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादा मिलेगा नर्सरी में देखने को। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा मदर ऑफ थाउजेंड। मदर ऑफ थाउजेंड को तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, पत्थर चट्टे की एक वैरायटी होती है और पत्थर चट्टा कितना हार्डी प्लांट होता है ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। इसमें सीड्स इनकी पत्तियों के कोनों पर बनते रहते हैं और गिरते रहते हैं और पौधे जर्मिनेट होते रहते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, डेड प्लांट के मेरे वेस्ट में लगे हुए पौधे में कितने सारे इसके प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। अगला प्लांट है यूका का, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे आप अगर 15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी चलता रहेगा। थोड़ा कॉस्टली होता है, छोटा पौधा 50 रुपए का और थोड़ा बड़ा पौधा 100 रुपए का आपको नर्सरी में मिल जाएगा। ग्रीनरी देता है, कहीं धूप में डाल दो, छाया में रख दो, सब जगह चलता रहता है। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। देखिए, मैंने इसकी बोनसाई बनाई है। इसकी बोनसाई भी बहुत इजीली बन जाती है, टोपियारीज बना सकते हैं या हैंगिंग प्लांटर्स में भी आप इसे लगा सकते हैं। हद से हद नर्सरीज में आपको ये 20 रुपए 30 रुपए में ये पौधा मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये है ड्रेसेना की कुछ वेराइटियाँ, जो क्या बहुत ही ईजिली गमलों में चल जाती हैं और काफ़ी हार्डी होती हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया ये रेड वाली ड्रेसेना, तो इन्हें ये 50 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएंगी नर्सरी में। बड़े पौधे होंगे तो थोड़े महंगे हो सकते हैं, पर छोटे पौधे आपको इजीली मिल जाएंगे, तो इन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं, कटिंग भी लाकर लगा सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, अगला हमारा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला, छोटे छोटे गमलों में लगने वाला प्लांट है ये लालसा का। छोटी छोटी टिप्स की कटिंग में लेके आई थी और बहुत भर गया है ये गमला। तो फ्रेंड्स, इसे आप टिप की कटिंग से या 20-30 रुपए में नर्सरीज में मिल जाएगा, वहाँ से लाके इसे इजीली लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है ये पाम की वैरायटी हमारा जामिया पाम। तो जामिया पाम देखिए कितना खूबसूरत प्लांट हो रहा है, ये बाहर ही ऐसे ही धूप में पड़ा रहता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। थोड़ा कॉस्टली तो होता है, 100 से 150 रुपए में मिलता है, पर एक बार लगा लेंगे तो आपके गार्डन में वर्षों चलेगा और छोटे गमलों में भी लग जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है अडेनियम। अडेनियम भी इजी टू ग्रो है, कुछ लोगों को हार्ड लगता है पर इतना हार्ड नहीं है, बस ज़्यादा पानी ना दें और इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए, मैंने तो बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं कटिंग से भी। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा ये श्रिम्प का, जो कटिंग से इजीली लग जाता है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये कटिंग हो गई है, आपके साथ ही ये कटिंग्स मैंने लगाई थी और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी
करने लगी हैं। देखिए इस वाली कटिंग से फ्लावरिंग भी होने लगी है, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैच्योर प्लांट 80 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्लांट है हमारा ये रेविना पाम। रेविना पाम जो होता है बहुत हार्डी वेराइटी है, थोड़ा कॉस्टली होता है पर बहुत हार्डी है, साल दर साल ये चलता है। एरिका पाम तो मेरे पास है 8-9 साल पुराना, देखिए ये मेरा 8-9 साल पुराना एरिका पाम है, तो ये भी साल दर साल चलने वाला प्लांट है और 100 रुपये में आपको इजीली नर्सरी में मिल जाएगा। कहीं तो एक नर्सरी में मैं गई थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है, नर्सरी वाले वीडियो मेरे ज़रूर देखें, तो उसमें मैंने शेयर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये एरिका पाम 200 रुपये में काफ़ी बड़ा मिल रहा था। तो हर नर्सरी के रेट्स अलग होते हैं, इसलिए कोई भी ये ना कहे कि मैं रेट कम बता रही हूँ या ज़्यादा बता रही हूँ, तो ऐसा हो जाता है। फिर अगला प्लांट है ये रोज़ का। रोज़ की काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी जो गमले में इजीली चल जाती हैं, और कुछ वैरायटी जैसे कि देसी रोज़ हुआ काफ़ी हार्ड होती हैं, तो रोज़ प्लांट भी आप इजीली लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगला प्लांट है ये हमारा बनी कैक्टस का। बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। अगला प्लांट है ये मदर ऑफ 1000 की ब्राउन वाली वैरायटी, ये भी इजीली ग्रो हो जाती है। ये हमारा ट्रेलिंग जेट प्लांट, ये भी इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली होता है पर एक पौधे से आप हजारों लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला है ये फर्न हमारा एस्पेरेगस। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी सस्ता नर्सरियों में मिल जाता है, सीड्स से भी लग जाता है, तो सीड्स से भी आप लाके लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत हार्डी है, डिवीज़न से लगता है, तो डिवीज़न से या नर्सरी से लाके इजीली लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगली वैरायटी है ये देसी वाले हमारे सदाबहार, जो कि बहुत इजीली लग जाते हैं और आपके गार्डन को फूलों से भरा रखते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में चल जाते हैं, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट्स हैं। फ्रेंड्स अगला प्लांट है ये सुख शांति का। सुख शांति भी 50-60 रुपये में मिलने वाला नर्सरी में प्लांट है, इजी टू ग्रो है, बहुत जल्दी फैलने लगता है, थोड़ा झाड़ीनुमा पौधा है, तो इसे भी आप इजीली लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये लग जाता है। फ्रेंड्स अगला हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है अल्टरनेंथ्रा। अल्टरनेंथ्रा को भी आप लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लग जाता है, वैसे तो हैज आदि में ये प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, गार्डन को खूबसूरत बना के रखेगा, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी पत्तियों के कलर चेंज होते रहते हैं, तो जिससे फूलों की भी कमी ये महसूस होने नहीं देता है। फ्रेंड्स अगला प्लांट है ये यूफोर्बिया मिली, जिसपे फूल भी आते हैं और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, थोड़े कांटे होते हैं पर फूल काफ़ी इसके खूबसूरत लगते हैं, तो बहुत ईजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला प्लांट है हमारा ये अपराजिता का। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इससे फूल आते हैं, अगर थोड़ी सी जगह भी आपके पास ज़्यादा है, कोई कोना खाली पड़ा है, तो उस कोने में इसे ज़रूर ऐड करें। बहुत हार्डी प्लांट है, ब्लू और व्हाइट कलर की मेरे पास है, अब तो काफ़ी सारे कलर्स में ये आने लगी है। वैसे सगला प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट, लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है, जो कि नर्स से लग जाता है और नर्सरी में 50-60 रुपये में मिलता है, तो इसे भी आप ला सकते हैं, अपनी गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। फिर सबसे हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है ये टर्टल वाइन। एक महीने में अगर 2 बार भी पानी देंगे, कोई खाद भी नहीं देंगे, तो भी ये चल जाता है और 7-8 फुट तक ये लटक जाता है। ये देखिए कहाँ तक लटका हुआ है, तो ये तो छोटी सी कटिंग भी गिर जाए कहीं वहीं लग जाता है, कहीं इसकी कटिंग मिल जाए तो लगा ले नर्सरी में भी, ऐसे ही 30-40 रुपये में मिल जाता है। फ्रेंड्स ये है ग्रीन वाली सिंगोनियम की देसी वैरायटी, ये भी इजी टू ग्रो है, कहीं से कटिंग ला के लगा सकते हैं, इजी टू ग्रो है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, आपके अंदर कमरे में भी चल जाती है, तो ये भी 30-40 या 50 रुपये में आपको बड़ा सा प्लांट मिल जाएगा, इसे भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला प्लांट है हमारा बॉलविन सू, कहीं भी लगा लें, छोटे कंटेनर वेस्ट में इजीली लग जाता है, आपके गार्डन को खूबसूरत बॉलनुमा शेप में लगा लें, किसी भी पॉट की शेप ले लेता है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। फ्रेंड्स ये है स्नेक की लंबी वाली वैरायटी, जो बैरिकेटेड होती है, बहुत खूबसूरत लगती है, इसे भी आप इजीली लगा सकते हैं, पत्तियों से भी ग्रो जाता है या डिवीजन करके लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है, हमारे नर्सरीज में 100 रुपीज़ में मिलता है, पर कहीं अगर आपको मिले तो फ्री में भी आप इसे ला सकते हैं, क्योंकि डिवीजन से ये कटिंग से भी लग जाता है, तो फ्रेंड्स इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगला प्लांट है ये मनी प्लांट, जो हर घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि और धन की वर्षा वार करने वाला प्लांट है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी हार्डी है, कटिंग से ही लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जो काफ़ी हार्डी होते हैं, आप उसे तो नहीं दिखा पाई हूँ, अभी वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो लोग चैनल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।